सनम जौहर और अबिगेल पांडे की घर छापेमारी में मिला ड्रग्स एनसीबी कर रही है पूछताछ। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं डिटेल में। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल मामले में भी पूछताछ जारी है। ड्रग्स पेडलिंग के आरोपी अनुज केशवानी और राहिल से एनसीबी की पूछताछ में टीवी स्टार्स अबिगेल पांडे और सनम जौहर का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद उन्हें एनसीबी ने समन किया था और वे पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस भी पहुंचे। इसी बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुवार को अबिगेल और सनम जौहर के घर पर छापेमारी की। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो छापेमारी में उनके घर में थोड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद भी हुए। अबिगेल और सनम दोनों से गुरुवार को भी एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक है, जो बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ कई टीवी शोज भी कर चुके हैं। खैर बताते चले, ड्रग्स केस में अभी तक कई बड़ी एक्ट्रेस के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह का नाम शामिल है। बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस एनसीबी ने दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत को भी समन भेजा है। वेल, देखते हैं कि अब आखिर कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं ड्रग्स के मामले में। वैसे ही टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।